हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंग कैंसर से बचने के उपायों के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ योग के उपाय बताए थे जो कि आपको लंग कैंसर से बचाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ डाइट प्लान के बारे में जो आपके लंग कैंसर से बचने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला डाइट प्लान है हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, हरी सब्जियाँ खाने के कई फायदे होते हैं, ये आपके लंग कैंसर से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। हरी सब्जियाँ खाने के फायदे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, यह किसी औषधि से कम नहीं होता है। इसमें सभी प्रकार के खनिज तत्व, सभी प्रकार के विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यह स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। दोस्तों, हरी सब्जियाँ खाना लंग कैंसर के साथ साथ हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का घटाना, मोटापे को कम करना और हाई बीपी प्रेशर की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इसके साथ ही रोजाना आपको ताजे फल खाने चाहिए। फल ना केवल आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं बल्कि ये कई प्रकार की बीमारी से बचाने में आपकी मदद करते हैं। सभी फलों के अंदर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। लंग कैंसर से बचने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। फल हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो कि आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। जो लोग फल को स्वास्थ्य आहार के रूप में खाते हैं उन्हें फेफड़ों से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको रोजाना के तौर पर ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन टी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरी रहती है जो कि शरीर में शक्तिशाली प्रभाव छोड़ता है। इससे मस्तिष्क को बेहतर बनाने में, वसा की हानि करने में, कैंसर को कम करने में सभी प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। लंग कैंसर से बचने के लिए आप रोजाना ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। यह अनऑक्सीफाइड पत्तियों से बनी होती है जो कि चाय से संसाधित प्रकारों में से एक होती है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ लंग से जुड़ी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप हमें वहां पर जाकर फॉलो करें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम को हल करने की। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।